रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संकट दुनिया की सबसे बड़ी महामारी हो गई है और इसने भारत सहित बिहार को भी प्रभावित करके रखा है। इस संकट के बढ़ने और लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के कारण अब कई चीजें कैंसिल हो गई हैं। इसी के तहत अब होने वाले चुनाव भी बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में कैंसिल किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार अब चुनाव का दौर चलना शुरू हो चुका था और सबसे पहली परीक्षा जो थी वो थी एमएलसी चुनाव की। एमएलसी चुनाव को लेकर के कुल 27 सीटों पर चुनाव अप्रैल महीने में होने थे, जिसकी अधिसूचना 14 तारीख तक जारी किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन कोरोना के संकट के कारण जिस तरह से लॉकडाउन है उसमें अब शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए चुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि शिक्षक निर्वाचन के 4 और स्नातक निर्वाचन के 4 सीटों के साथ विधानसभा कोटे का 9 और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने थे। बिहार में जो चुनाव होने थे उसमें आपको बता दें कि सभी विधान परिषद सीटों पर अप्रैल में जो चुनाव होने थे, दरभंगा, पटना, तिरहुत में शिक्षक और स्नातक दोनों कोटे के होने थे, वहीं सारण में भी शिक्षक तो कोसी क्षेत्र में स्नातक निर्वाचन होने थे। अब इन सब को लेकर के जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो फैसला निश्चित रूप से अब उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते थे थोड़ी सी परेशानी भरा हो गया है और इसकी अगली घोषणा कब होगी इस पर भी अभी कोई संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो 4 सीटें थी उसके प्रचार और अन्य कई भी प्रचार की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है कि अब चुनाव नहीं होंगे। कोरोना वायरस के कारण बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलों में है। वास्तविकता ये है कि अभी सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश के तहत जो चुनाव अप्रैल माह में एमएलसी होने थे वो फिलहाल के लिए स्थगित किए जा चुके हैं। हमने आपको बताया कि विधान परिषद की कुल 27 सीटें खाली हो रही थी, जिनमें 9 विधानसभा कोटे की और 10 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। कोरोना वायरस के कारण इन पर विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी 6 निर्वाचन क्षेत्र और 5 स्नातक क्षेत्रों के चुनाव को स्थगित कर दिया है। अब आयोग इसे नए सिरे से शेड्यूल जारी कर चुनाव कराएगा। अब तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने थे उसे भी स्थगित कर दिया गया है। स्नातक कोटे में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ की भी सीटें इसमें शामिल थी। इसके साथ ही शिक्षक कोटे के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद जैसी सीटें भी शामिल थी। बीजेपी सहित तमाम पार्टियां शिक्षक कोटे वाली सीटों पर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थी। वहीं बिहार में भी पूरी तैयारियां कर ली गई थी और शिक्षक के साथ साथ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी और उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से चुनावी रण में कूद चुके थे, लेकिन अचानक से इस कोरोना वायरस ने सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और संविधान के नियमों के अनुसार चुनाव आयोग ने इसे तत्काल स्थगित कर दिया गया है। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा जब कोरोना संकट से निकल जाएगा देश। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।